दरअसल विभूति जी और तिवारी जी दोनों कैब से परेशान है, सॉरी विभूति जी शायद नहीं तिवारी जी। दरअसल तिवारी जी कब्ज से बहुत परेशान हैं और मैं कब्ज स्पेशलिस्ट हूँ। दरअसल मुझे खुद भी कब्ज है, तो वो मेरे पास दिखवाने आते हैं, उनकी पत्नी आती है पूछने कि भाई इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, वो बहुत परेशान रहता है। तो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ उनको कि भाई ये परेशानी है। दवाई बताने से पहले पूरा उनका हुलिया बताता हूँ, उनका पूरा प्रोसेस बताता हूँ कहाँ कहाँ से परेशानी होती है, और लास्ट पता चलता है कि मैं ही दर्द के मारे बेहोश हो जाता हूँ। तकलीफ होती है कब से मतलब? ओए होए 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 मत पूछिए, बहुत तकलीफ होती है। आपने पिक्कू तो देखा होगा ना। कुछ सलूशन है इस प्रॉब्लम का नहीं है? है ना, बिल्कुल एकदम रूटीन फॉलो करें, तरीके से रहें, सही वक्त पे खाएं, सही चीज खाएं, मजे से रहें, हंसते खेलते रहें, भाभी जी देखते रहें, स्वतः कब्ज दूर हंसते खेलते। सबसे बढ़िया मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये कि जी कैसा फील होता है इतने बड़े शो का पार्ट बन के? रियली मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, अपने डायरेक्टर शशांक सर का, जिनका भरोसा है मेरे ऊपर और हमेशा मुझे यहाँ पर यूज किया जाता है, हमेशा मुझे बुलाया जाता है और अच्छा लगता है। काम तो कई किए हैं बट इस शो के बाद लोग पहचानते हैं, लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसके आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? बस देश हित में सोचिए, देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए, जो जहाँ पे हैं बस उसी जगह पे अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सीमा के पास जाकर ही लड़ाई लड़ें बंदूक लेके, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग किस्म की लड़ाई है देश हित में, बस वो लड़ते रहें, बस यही है। आगे क्या देखने मिलने वाला है, किस तरह का ट्विस्ट देखने मिलने वाला है? जी सॉरी, किस तरह के ट्विस्ट देखने मिलने वाले आगे शो पे? अरे देखिए बहुत डिफरेंट मुझे लगता है कि सबसे अलग किस्म के ट्विस्ट इसमें मिलते होंगे आपको और अलग किस्म के मज़े आते होंगे इसमें। मुझे नहीं लगता है कि और कहीं, मतलब बस ऊपर वाले की कृपा होती है कि ऐसे सीरियल्स बन जाते हैं और ऐसे लोग सब एक साथ जुड़ जाते हैं। शशांक सर के साथ सारे मैक्सिमम मैंने FIR भी उनके सर के साथ मैंने किया है, तो सारे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं और अच्छी टीम बन जाती है। जब टीम लीडर अच्छे होते हैं तो सारा कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, मज़ा आता है। काफ़ी काम किए मैंने बट इससे जो एक पहचान मिली है, लोग पहचानते हैं, लोग बोलते हैं, लोग पूछते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस देखते रहिए, हंसते खेलते रहिए, मजे लीजिए, दुआएं दीजिए, प्यार दीजिए और कुछ, मतलब इतना प्यार दीजिए कि कुछ और अलग से करने की कोशिश करें, हम लोग करते रहें आपके लिए।